नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सगनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं देश प्रदेश की खबरों की ओर। फलोदी के निकट कलरा गांव में शुक्रवार को ग्रामीण विकास विज्ञान समिति उपकेंद्र कलरा में परियोजना स्पाइस के तहत किसानों को बीज एवं सीडल का वितरण फलोदी तहसीलदार हुक्मी चंद तवर एवं विकास अधिकारी पन्नालाल माली की उपस्थिति में किया गया। व्यवस्थापक सुरेंद्र सिंह रत्नू ने बताया कि पिछले कई वर्षों से पश्चिमी राजस्थान में ग्राविस द्वारा गरीब एवं असहाय परिवारों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पौधारोपण एवं महिला सशक्तिकरण का आदि का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर 15 गांवों के किसान मौजूद रहे वे 4 सीडल का वितरण किया गया। इस अवसर पर विचार व्यक्त करते हुए तहसीलदार हुक्मी चंद तवर ने कहा कि किसान भाई कृषि कार्य में परंपरागत तकनीक के साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर अधिक से अधिक पैदावार लेवे। वही व्यवस्थापक रत्नू ने बताया कि समय समय पर वैज्ञानिकों एवं कृषि विशेषज्ञों को खेतों में विजिट करवाया जाता है तथा किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।